नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं आवाज। आज मेरे पीछे का अंधेरा और मेरे काले कपड़े सिर्फ ये दिखाने के लिए हैं। इस प्रोग्राम की थीम सिर्फ इसलिए अंधकार जैसी काली रखी गई है ताकि हम आपको बता सकें कि न्याय प्रक्रिया किस तरीके से अंधकार में जा चुकी है और इसको एक किरण की ज़रूरत है, यहाँ एक क्षमा की ज़रूरत है। और वो क्षमा बनने का फैसला किया आवाज़ की टीम ने, क्योंकि भारत में न्याय मिलना दिन ब दिन कितना मुश्किल होता जा रहा है ये हर किसी को मालूम है। लेकिन जब न्याय, मुश्किल ऐसे शब्द एक साथ आ जाते हैं तो वहाँ पर बात होती है गरीबी की, वहाँ पर बात होती है दबे कुचले लोगों की, वहाँ बात होती है मुफलिसी की। लेकिन जब ये सारी चीज़ एक साथ हो और एक न्याय प्रक्रिया मिलने में देरी हो तो बातें समझ में आती हैं एक हद तक, क्योंकि भारत का इतिहास ही ऐसा रहा है और वर्तमान भी कुछ ऐसा ही नज़र आता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका पहला पार्ट मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ और उसी कहानी को आज मैं एक अलग दिशा देने जा रहा हूँ। वो कहानी है एक बड़े अधिकारी की, वो कहानी है एक बड़े वकील की जिसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी जाती है और उसके बाद भी जो गुनहगार है आज भी वो सलाखों के पीछे नहीं जा सके। और वो बड़ा वकील आज भी इस दर्द के साए में जी रहा है कि वो अपने पत्नी के कातिलों को सज़ा नहीं दिला सका। तो भारत में न्याय की इस विडंबना की पूरी कहानी को आप पहले देख लीजिए। सीबीआई ने हर हथकंडा तो अपनाया लेकिन सबूत के नाम पर कुछ भी हासिल नहीं हुआ। स्वर्गीय पुष्पा सकलानी जी के पति और पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ओपी सकलानी कहते हैं कि उनके सामने सभी तस्वीरें साफ हैं, लेकिन सीबीआई के जांच के तरीके सवाल खड़े करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी बीवी की हत्या किसी भी तरीके से लूटपाट जैसी वारदात के लिए की गई घटना साबित नहीं होती है, क्योंकि लूटपाट के नाम पर घर से सिर्फ चंद सौ नोट गायब हुए हैं। ओपी सकलानी जी का कहना है कि पूरी घटना को अंजाम सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि ये इंतकाम की कहानी है। ओपी सकलानी जी की माने तो इस दुर्दांत अपराध को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, सरकार का ही नुमाइंदा है और सरकार की गोदी में बैठकर वो न्यायपालिका की आंखों में बंधी पट्टी की नजरों से ओझल होने में कामयाब होता रहा। मेरी पत्नी जो बड़े ब्रूटल तरीके से जिसका मर्डर हुआ, 8 साल से उसे न्याय नहीं मिल सका। ये तिकड़म हथकंडे ये बात इनकी वजह से उसे न्याय नहीं मिल सका। और उसके मर्डर का कारण क्या हुआ, क्यों हत्या की गई उसकी, उसकी हत्या रिवेंज किलिंग थी, जैसे कि खुद COCT और उन्होंने SSP उस वक्त उन्होंने बताया, बाद में मुकर गए इस मामले से वो के, कि चूँकि मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ गवाही दी थी, मतलब पूरे गवाह हैं, सबूत हैं, सब चीज़ हैं, पर उनको न मंगाने की वजह से वो एक आदमी बचा हुआ, एक अपराधी बचा हुआ है उसमें। तो इसमें सरकारी वकील के जो इस वक्त हाई कोर्ट में सरकारी वकील हैं और जो CBI के वकील हैं, CBI के जो वकील हैं वो सरकारी वकील, उत्तर प्रदेश सरकार के वकील भी हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं वो, और जो गवर्नमेंट एडवोकेट हैं वो हैं, इनकी तरफ से भी कोई प्रयत्न नहीं हुआ कि उसे मंगाया जाए। तो ये अभी पेंडिंग है, उसमें सबूत होते हुए भी पेंडिंग है, अपराधी बचा हुआ और अपराधी को उत्तराखंड सरकार ने या ये कहें मुख्यमंत्री जी ने या जो भी है, पता नहीं किस औचित्य कारण के उसे हज कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है और जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का स्टेटस है जिसका। घटना से कुछ समय पहले घटना में शामिल गाड़ी को उनके घर के पास देखा जाना, घटना से कुछ दिन पहले मुख्य आरोपी का उनसे माफी मांगने आना, और तो और घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारियों का उन्हें सूचित करना कि ये हत्या दरअसल लूटपाट के लिए ना होकर किसी और तरफ इशारा करती हुई नजर आती है। लेकिन हार ना मानने वाला जज्बा लिए ओपी सकलानी जी आज भी अपनी स्वर्गीय पत्नी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ओपी सकलानी जी आज भी इसी उम्मीद में जी रहे हैं कि कभी तो वो सुबह आएगी जब उन्हें इंसाफ मिल सकेगा। इसके साथ ही ओपी सकलानी जी जैसे बड़े वकील का भी न्याय के लिए इस तरह भटकना कई बड़े सवाल खड़े करता है। राजनीति और ताकत का घोल न्यायपालिका की पोल खोल करता है। किस तरह से बड़े रसूखदार कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं वो पुष्पा सकलानी मर्डर केस से साफ समझा जा सकता है। करीब घटना से एक महीना पहले, मतलब सितंबर के सेकंड वीक में, मतलब सितंबर 2012 के दूसरे सप्ताह में मेरे चैम्बर में आया, 8 साल बाद। वो आदमी क्यों आया,
जिसके खिलाफ मैं पूरी शिद्दत से केस लड़ा, जिसने पहले मुझे तो केस से हटाने के लिए जैसे लालच दे के देने की बात की, नहीं हुई, फिर धमकी देनी शुरू की, फिर प्रयत्न किए, मुझे पुलिस से एस्कॉर्ट मिली हरिद्वार केस के डेट में जाने की, गवाहों को ले जाने की, वहाँ पैरवी करने के लिए ताकि मेरे साथ कोई वैसी घटना ना घटित हो, पुलिस एस्कॉर्ट दी। उसने पूरी उसको हटाने के लिए अपनी लड़की के माध्यम से लाखीराम जोशी, जो उस वक्त मिनिस्टर थे, उनका लेटर ऐसे मैंने फाइल में सब लगा रखे हैं, जो एसएसपी को लिखा कि इनकी वो हटा दीजिए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई कीजिए। किस बात की कार्रवाई कीजिए भाई, चलो कार्रवाई कीजिए, कोई बात नहीं, पर इनके जो स्कोर्ट जो इन्हें मिली है उसको हटा, क्यों हटाना है, मतलब पूरी सुरक्षा क्यों हटाई जाती है, अटैक किया जाए, उसके साथ कोई गंभीर घटना हो या उसकी हत्या की जाए। बार एसोसिएशन देहरादून में को जब ये पता लगा, उन्होंने स्पेशल मीटिंग बुलाई, पूरे हाउस की, जनरल हाउस बुलाया, और ये मांग की गई इस बात की एसएसपी से शिकायत की जाए कि वो इनका सुरक्षा न हटाई जाए, नहीं तो इनकी हत्या, गवाहों की हत्या, औरों की हत्या हो जाएगी। तब हो तो खैर वो मामला अभी तक वो है उससे। तो हत्या का उद्देश्य है कि हत्या होनी थी मेरी, मैं उनके पर, अगर मेरी हत्या करते सीधा शख्सक शमीम आलम पे जाता, तो उसने ये प्लान बनाया कि घर में हस्बैंड वाइफ पति पत्नी दोनों की हत्या, क्यों हम दोनों ही रहते थे अकेले, हमारी माँ जी की डेथ हो चुकी थी पहले और कोई वो नहीं था, इनकी हत्या करके इस मामले को दूसरा रूप दे देंगे, तो वही उनकी प्लानिंग थी। इसके इसमें उन्होंने इसमें जो अपराधी शामिल थे, जो उसमें बिजली वाला जो था बसंत सोनी, वो कई साल हमने उससे काम करवाया, 8-9 साल, कई वर्षों से आपके यहाँ आता था, हाँ, बिजली का काम उसने किया। बाद में उसकी नीयत कुछ बिगड़ने लगी, मतलब वो अधूरा काम छोड़ जाता था, पैसे मांग लेता था, काम नहीं करता था, बुलाने पे आता नहीं था, कभी भी नहीं होता था, तो हमने उसे हटा दिया। 1-1.5 साल घटना के 1-1.5 साल पहले से हम उससे कोई काम नहीं लेते थे, कोई वन। तो शमीम आलम जब मेरे चैम्बर में, चैम्बर वाली बात मैंने शायद बताई नहीं, हाँ, इस घटना से करीब 1 महीना पहले, 9-10 तारीख जो भी तारीख रही होगी उसकी, सितंबर के महीने में वो मेरे चैम्बर में आया, उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उस, मैंने कहा भाई माफ़ी की कोई बात नहीं है, उसमें तुमने जो करना था कर दिया, जो होना था उससे कोई मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं है, मेरी उससे कोई प्रॉपर्टी के संबंधी या किसी लेन देन से कोई कोई नहीं थी, लड़ाई कोई मतलब ही नहीं था उससे, वो जिस उसका वो था। और उन्हीं दिनों 2-3 दिन बाद बसंत सोनी, जो बुलाने पे कभी नहीं आता था, जिसे 1.5 साल से हमने बुलाया नहीं था, वो अपने आप पहुंचा, उसको एक दूसरा एक उसको लेके अपना असिस्टेंट बना के, बिजली वाला बना के, जिसका नाम सन्नी जोशी है, कि भैया आपके घर में वो जो ठीक करना है, अर्थिंग जो है वो पुरानी होगी, वो बदलनी है, वाइफ से मिला, उनसे मिला। तो ये खाली संयोग मात्र नहीं था, ये एक सोचिश अपनी साजिश का वो था, ये बाद में जब हम ज़्यादा वो हुई तब इस पता चला। अब हमने हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन, उसमें सारी डिटेल में दिखी, हाई कोर्ट में जो पिटीशन हमने डाली हुई, हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस है, जस्टिस ध्यानी थे, वो यहाँ डिस्ट्रिक्ट जज भी रह चुके थे, मिस्टर ध्यानी, एमसी ध्यानी, तो उन्होंने उसको पूरा माइन्यूटली ऑब्जर्व करके फौरन उसे ट्रांसफ़र सीबीआई को उसके लिए ट्रांसफ़र कर दिया, इन्वेस्टिगेशन के लिए। और सीबीआई ने उस बात को दबा के रखा, ऊपर सीबीआई का ये होता कि डीओपीटी होता है डिपार्टमेंट, जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही होता है, वो सीबीआई के ऊपर होता है, वहाँ से परमिशन लेनी, फॉर्मल होती है, परमिशन मिल जाती है जब हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, तो उन्होंने वो लेके क्विक लेके और कोशिश नहीं की। उसका नतीजा ये हुआ कि जो हत्या के आरोपी थे उनके खिलाफ आरोप पत्र टाइम पे नहीं पहुँचा,
और उन्हें मैंडेटरी प्रोविजन मिल गया, नहीं तो उनकी बेल नहीं होती हत्या आरोपी की ऐसे मामले सेंसेशन मामले की, में। सीबीआई की भूमिका से भी समझ में आता है कि लापरवाही हुई है, घोर लापरवाही, मिली भगत है। सीबीआई की भूमिका भी आप संदिग्ध बता रहे हैं, संदिग्ध बिल्कुल संदिग्ध बता रहे हैं। सीबीआई का अगर इतना भी नहीं हुआ, अच्छा उन्होंने इस बात को भी नहीं ध्यान दिया कि शमीम आलम हमसे घटना से एक मिलने गया, यहाँ बसंत सोनी भी आया इस घटना इस मामले, हाँ उन्होंने लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया उसका, और जो नार्को टेस्ट होते हैं, जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं सब उसमें, वो कुछ नहीं किए गए। नहीं तो सीबीआई किस बात की, ऑर्डिनरी पुलिस सर वो जैसे है वैसे सीबीआई ने भी वही काम किया। अच्छा वो चक्कू का नहीं किया कि भाई जो मर्डर वीपन है उसका क्या हुआ, किसके उंगलियों के निशान हैं उसमें, किसके मिलते हैं, क्या वो भी दबा दिए उन्होंने बात, वो तो मैंने जब लिखा पढ़ी की बाद में की, तब उन्होंने जांच बिठाई पुलिस ने, मतलब उत्तराखंड पुलिस ने, और एसएसपी उस वक्त जो एडिशनल एसपी थे, एसपी देहात मणिकांत जोशी, उन्होंने डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की, उन्होंने होल्ड किया कि दोषी ये है वही कांस्टेबल को कि इसने गायब किया वो उसमें, पर कोई एक्शन नहीं लिया ना, दोस्त तो मान लिया उन्होंने घटना के कई महीने बाद। तो ये सब सीबीआई की गलती, सीबीआई जो जरा जरा सी बात में वो होती। अब सवाल उठता है कि सीबीआई जैसी बड़ी एजेंसी के शामिल होने के बावजूद घटना के इतने सालों बाद भी इस हत्या की गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पाई, और क्या अब कभी भी मुख्य आरोपी सलाखों के पीछे नहीं जा पाएगा, और क्या इस हत्या के पीछे का असली सच कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा। अब मैं कॉन्स्टेंट थ्रेट में हूँ, मैं दो दफे तो वैसे अटैक हुए, दो दफे मुझे एक्सीडेंट करके मारने की कोशिश की जिसका मैंने, क्यों उनका उद्देश्य ये है कि या तो इसे एक्सीडेंट दिखा के मार दो, या इतना इसको वो घायल कर दो या विकलांग कर दो कि भाग दौड़ ना कर सके, कोई ना कर दे, रस्ते से हटाने वाली बात। ये केस जो ओपन एंड बिल्कुल वो केस है, उस केस को इतना लिखा पढ़ी के बाद, इतना सब उसके बाद भी दबा के उसने सही जांच की ही नहीं उस बात की, बिल्कुल बड़ी बड़ी लीड्स को भी नज़रअंदाज हाँ, किया गया नहीं। सबसे बड़ी बात देखी ना इसमें, मेरा जो बयान मैंने डिटेल में दिया वो लिख के उन्होंने गायब कर दिया, क्यों उसमें शमीम आलम सीधा फंस रहा था, मैंने तो पूरी बात उसमें लिखी। हाई कोर्ट का जो पिटीशन थी उस पर सीबीआई ने कोई कॉग्निजेंस ही नहीं लिया, जो चार्जशीट उन्होंने दी शमीम आलम के बारे में 1/3 पेज इतना लिख के मेरे उसमें मेरे बयान के बारे में बाकी सब क्लोज कर दिया, अपनी मर्जी से बयान लिखे। एक सबसे बड़ी बात इसमें ये हुई कि इस घटना के बाद जब ये केस ट्रांसफ़र हो गया, जनवरी 2013 की बात बता रहा हूँ, 17 तारीख की बात है, सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था, हाँ तो मैं बार एसोसिएशन के प्रांगण में था, तो शमीम आलम पास हुआ चांस की बात है, वो देख उसके साथ एक आदमी और था, वो डीएम ऑफिस के उधर गया जहाँ ये आधार कार्ड वगैरह बनते हैं, वो कोई उसका वो पार्ट है डीएम को, मुझे इशारा करके कुछ बताने लग गया। मैंने उनसे पूछा अगल बगल, भाई ये आदमी कौन है, कोर्ट का कोई मुंशी है क्या है जो दूसरा शमीम आलम के साथ था, उन्होंने पहचान के बताया नहीं ये तो वो है, उसका नाम चंद्रशेखर, ये तो जाली डॉक्यूमेंट बनाता है, अब पकड़ा गया, ये सुप्रीम कोर्ट का जाली डॉक्यूमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जाली आदेश बना के गया था सीबीआई के केस में, सीबीआई कोर्ट में पकड़ा गया, वहाँ से सजा हुई सीबीआई के उसमें उसे, तो वो शमीम आलम के साथ कुछ बात कर रहा था, शायद कोई जाली डॉक्यूमेंट या जाली जैसे जमानतियों का या उसका कोई कागज़ बनवाने होंगे जो भी होगा। मैंने उसकी शिकायत डीजीपी से की, पर्सनली गए बाहर के एग्जीक्यूटिव वाले भी गए, लिखित में भी की शिकायत उनको, यहाँ डीआईजी थे उस वक्त उनको भी शिकायत की सीबीआई उसकी, तो देखिए उन सबको ताक में रखते हुए, अच्छा यहाँ की पुलिस ने भी वो मेरी शिकायत सीबीआई को फॉरवर्ड की, ताक में रखते हुए सीबीआई ने उसे भी प्रोसिक्यूशन गवाह बना दिया। अब इसे कहें जिस आदमी जो सुप्रीम कोर्ट का जाली आदेश ला के बनाया, सजा हुई, पकड़ा गया, जाली डॉक्यूमेंट बना था, उसको भी उन्होंने जाली वो बन, इससे ज़्यादा हाइट इस केस में क्या हो सकती बताइए। तो आपने पूरी कहानी सुनी, आपने तमाम तस्वीरों को देखा, और मेरे हाथ में ये जो कागज हैं ये दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बुजुर्ग जो दिल में लाखों दर्द लिए बैठा है वो आज भी किस साए में जी रहा है।
उस बुजुर्ग ने तमाम कोशिशें करी कि वो यहाँ के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और इसके साथ ही जो जज हैं, जो फैसला सुनाते हैं, उन तक अपनी बात पहुँचा सके, लेकिन सब कुछ धुंधला है, क्योंकि गूंगी बहरी सरकारें, गूंगे बहरे वो हुक्मरान जिनके कानों में जू तक ना रेंगी, लेकिन इस बुजुर्ग का दर्द दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। वो आज भी इसी दुख में जी रहा है कि वो इतना बड़ा वकील होने के बावजूद अपनी पत्नी को ही न्याय नहीं दिला सका। और मैं एक पत्रकार होने के नाते, पत्रकार जैसा कि हमेशा आपसे कहता हूँ कि वो समाज का प्रहरी होता है, और ये जो नेता होते हैं ये हमेशा समाज के सेवक होते हैं, और ऐसे में एक पत्रकार के नाते मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं ऐसी कहानियाँ आप तक पहुँचाऊँ ताकि सरकारों के ये कान तक पहुँचे। मैं सिर्फ इसलिए चीखता हूँ, सिर्फ इसलिए चिल्लाता हूँ ताकि ये बातें सरकार तक पहुँच सकें, क्योंकि पत्रकार का ना तो कोई धर्म होता है, ना तो कोई पंथ होता है, ना तो कोई विचारधारा होती है, और ना ही कोई पार्टी होती है। तो पत्रकार के रूप में मैंने अपना हक अदा किया, पत्रकार के रूप में मैंने ओपी सकलानी जी की जो आवाज़ है वो बनने की कोशिश की, और जैसा कि मैं हमेशा और हमेशा कहता रहूँगा और कहता आया हूँ कि जहाँ अंधेरा है और जहाँ रोशनी की किरण की ज़रूरत है, वहाँ आवाज़ की टीम हमेशा एक क्षमा बनने की कोशिश करती रहेगी। धन्यवाद।